એને ડેમેજ હોય તો પ્રોબ્લેમ હતો. स्टोर नहीं करना है आपको फ्रिज में अभी, अभी 3 वर्ष के बाद में स्टोर कर सकते हैं सब चीज़ें आप. दोनों का ऑपरेटिंग आपको यहाँ से आएगा. ये फ्रीजर का है माइनस डिग्रीज, इसको जैसे डिग्री बढ़ते जाएंगे कूलिंग बढ़ते जाएगा. मैक्सिमम 23 आता है ऊपर फ्रीजर में. आपको हाई कूलिंग होना है तो 23 रख सकते हैं आप. इससे लो रखना है तो 15 है. नॉर्मल 17 यूज होता है. ये फ्रिज का है नीचे का. ये प्लस डिग्रीज में आएगा. जैसे नंबर कम होंगे कूलिंग बढ़ जाएगा. तो 1 रखेंगे तो फ्रिज में हाई कूलिंग काम करेगा. 1 रखे तो हाई जी हो जी. सबसे लो रखने से आपको 7 है. 7 आइडियल इसका 5 यूज कर सकते हैं. दोनों में एक्स्ट्रा ऑप्शन है आपको. कन्वर्टेबल फ्रीजर को आप फ्रिज में कन्वर्ट कर लेना चाह रहे हैं तो 3 सेकंड इसको होल्ड करना. आप इसमें लाइट शिफ्ट हुए तक कन्वर्ट हो गया. दोनों फ्रिज बन गए थे. अप एंड डाउन फ्रिज बन गया. फ्रीजर ऑफ हो गया. जैसा नीचे फ्रिज है ऊपर भी फ्रिज हो गया. फिर रिटर्न फ्रीजर होना है आपको. फिर 3 सेकंड होल्ड करना. आपकी लाइट ऑफ हुए थे. आ गया मैंने सब. एक्सप्रेस फ्रीजर घर पे फंक्शन है. आइसक्रीम आइस मेकिंग रखे. थोड़ा फास्ट कूलिंग होना आपको फ्रीजर में. तो 3 सेकंड होल्ड कर लीजिए इसको आप. इसमें लाइट आ गई. फ्रीजर में हाई लेवल पे वर्क करेगा नॉन स्टॉप. फंक्शन वगैरह आए आपको फास्ट कूलिंग होना है तो आप इसको एक्सप्रेस फ्रीजर यूज कर सकते हैं. यूज नहीं पड़ती आपको. ऑफ करना है 3 सेकंड होल्ड कर लेना. ऑफ हो जाएगा. वाईफाई होता है
दोनों फ्रीज कर सकते हैं। हाँ। आप कन्वर्ट फ्लो कर लेके आप जा सकते हैं। आपके मोबाइल पे एलजी का एसएमएस आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? आपके मोबाइल पे एलजी का एसएमएस है, थोड़ा बता देंगे आप?